नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़ों राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएसटीसी अभ्यर्थियों की, जो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जयपुर में पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं बीएसटीसी अभ्यर्थी, जिनका आज सब्र का बांध टूटा। बड़ी संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक से सिविल लाइन की तरफ कूच किया। बीएसटीसी अभ्यर्थी अपनी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए निकले। इधर बीएसटीसी अभ्यर्थियों के कूच के चलते शहीद स्मारक पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, जब कई दिनों तक बात नहीं बनी तो अभ्यर्थियों ने कूच किया सिविल लाइन्स का। तस्वीरें भी इससे पहले आपने देखी, जी राजस्थान पर तमाम अभ्यर्थी हाथों में बैनर पोस्टर लिए कूच करते हुए नजर आए। और देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये अभ्यर्थी सड़कों पर निकले हैं। साफ तौर पर इनकी यही कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री यानी कि सीएमओ तक हम चले जाएंगे, डोटासरा शिक्षा मंत्री को समझाएंगे। और इससे भी बात नहीं बनी तो इस आंदोलन को और उग्र हमारी तरफ से किया जाएगा। हालांकि जोधपुर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, कल क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है ये तो बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर और ये आंदोलन हर बीते दिन के साथ अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। नारेबाजी कर रहे हैं छात्र, हाथों में बैनर पोस्टर लिए अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकले हैं और सिविल लाइन्स का कूच इनकी तरफ से किया गया है। पुलिस बल की तैनाती मौके पर कर दी गई। हालांकि पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है, कैसे स्थिति को संभालें, अभ्यर्थियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई का इन्होंने ऐलान कर दिया है और सिविल लाइन्स का कूच किया है अभ्यर्थियों ने। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर छात्र और देखिए कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया इनके तरफ से। बैरिकेडिंग तोड़कर ये अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं, सिविल लाइन्स का कूच करने का ऐलान इनके तरफ से किया गया है। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये अभ्यर्थी पहले आमरण अनशन पर बैठे और जब उससे बात नहीं बनी तो आंदोलन उग्र करने का ऐलान इनकी तरफ से किया गया। बीएसटीसी अभ्यर्थी अपनी एक मांग को लेकर पिछले एक महीने से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे, लेकिन कल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले अब बेरोजगारों का जो सब्र का बांध है वह टूट चुका है और बेरोजगार जो शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठे थे वह अब सड़कों पर उतर गए हैं। आप देख सकते हैं कि सिविल लाइन की ओर उन्होंने कूच किया था लेकिन कमिश्नरेट के सामने ही उनको रोक लिया गया है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। जब ये बेरोजगार निकले उस समय पुलिस जाब्ता इतना नहीं था, लेकिन अचानक इन बेरोजगारों ने जो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे थे वह जो बेरोजगार थे वह सड़कों पर आ गए और अब यहाँ पर शहीद स्मारक के बाहर ही जो धरना है उस धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे में प्रशासन से वार्ता की मांग को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रहे थे लेकिन अभी तक भी कोई वार्ता नहीं होने के बाद इन्होंने फैसला लिया है। मुकेश, आज कुछ क्यों करने की फैसला? सर, हम गुड़ती दिन से बैठे हैं, काली दिवाली यहाँ मनाई, दशहरा यहाँ मनाया, भैया दूज यहाँ मनाई, पांच महोत्सव था उसको यहाँ मनाया है। सरकार संवेदनशील नहीं है, हमें गुमराह करती रही। 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में हमें गुमराह किया गया, हमें इनको उठाने का प्रयास किया गया लेकिन एक बार फिर से तनावपूर्ण जो स्थिति है वह आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और जो बेरोजगार हैं वह एक दूसरे पर यहां से टकरा गए हैं, एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। टकराव की जो स्थिति है वह आप देख सकते हैं। जब शहीद स्मारक से ये बाहर निकले थे तो बैरिकेडिंग को तोड़ के ये लोग बाहर निकले थे और अब एक बार फिर से जब पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ से उठाने की कोशिश की है तो वापस से यहाँ पर जो टकराव की स्थिति है वह देखने को मिल रही है। जैसा कि मुझे अभी बेरोजगार जो बीएसटीसी बेरोजगार हैं उनका ये कहना है कि 29 दिन से यहाँ धरना दिया जा रहा है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिसके बाद इनको ये कदम उठाना पड़ा है क्योंकि कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में सुनवाई से पहले सरकार तक अपनी मांग पहुँचाने के लिए आज बेरोजगारों ने ये कदम उठाया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाया जाएगा इसकी इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे छात्र आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं क्योंकि 29 दिन हो चुके हैं और अभी तक समाधान नहीं निकला, मांगे पूरी नहीं हुई। और अब सरकार से ये भी कह रहे हैं अभ्यर्थी कि कोर्ट में सरकार मजबूती से इनका पक्ष रखे। अब सरकार इसमें क्या रास्ता निकालती है इस पूरे मामले में, ये महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। कल हाईकोर्ट में सुनवाई है इस मामले की, क्या फैसला आता है ये भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक पर ये अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं और जब इनको लगा कि समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सरकार
कोई ध्यान नहीं दे रही इनकी मांगों पर, तो ये सिविल लाइंस का कूच करने का ऐलान इनके तरफ से किया गया है। ललित तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित देखिए, इससे पहले आपकी हमने रिपोर्ट देखी, अभ्यर्थियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि या तो मांगे पूरी करो, इससे पीछे इससे कम में हम नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल मनी, आपको बता दें कि बीएसटीसी अभ्यर्थी जो आज उग्र आंदोलन का रास्ता जिन्होंने अपनाया, एक महीने से वह शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन कर रहे थे, शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे, लेकिन कल जोधपुर हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले अब बेरोजगारों ने अपनी मांग को और उग्र कर दिया है। आज धरना स्थल पर बैठे हुए बेरोजगारों ने शहीद स्मारक से सीएम आवास की ओर कूच किया। तस्वीरों में साफ देख सकते हो कि जब पुलिस का जाब्ता बहुत कम था दोपहर में, तो इस दौरान इन बेरोजगारों ने बाहर सड़क पर निकलने की कोशिश की और बैरिकेडिंग को तोड़कर जो कमिश्नरेट है उसकी मुख्य सड़क पर आ गए। कमिश्नरेट से पहले चौराहे पर हालांकि भारी पुलिस जाब्ते द्वारा इन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया, जिसके बाद भी कमिश्नरेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में इन अभ्यर्थियों की बीएसटी के अभ्यर्थियों के पक्ष में मजबूत पैरवी सरकार की ओर से की जाए, इसके साथ ही एजी की तरफ से मामले की पैरवी करवाई जाए, हाईकोर्ट से इन अभ्यर्थियों को राहत दी जाए, क्योंकि यदि लेवल वन में बीएड धारी अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे में करीब 3 लाख से ज्यादा बीएसटी अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है कि लेवल वन से बीएड धारी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। आज हालांकि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कमिश्नरेट के बाहर सड़क पर बैठने के बाद वार्ता की गई, साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए ले जाने के लिए बताइए, संक्षेप में बताइएगा अभी फिलहाल अभ्यर्थी कहाँ पर है। अभी अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर वापस लौट चुके हैं और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वार्ता का समय दिया जा रहा है। जैसे ही समय निर्धारित होगा इनको वार्ता के लिए ले जाया जाएगा, तो अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि यदि वार्ता नहीं हाँ, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था ललित, जब जब वार्ता हुई वार्ता में कुछ रिजल्ट फिलहाल सामने नहीं आया था और अब ये वार्ता दोबारा से बुलाई गई है, देखना होगा क्या तस्वीरें सामने आती है और कल की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। ललित शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।